हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुनील। डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फिर से हम दोनों इंडेक्स के फुल एनालिसिस करने वाले हैं। ये देखने की हमारी कोशिश रहेगी कल मंगलवार के दिन हमें दोनों इंडेक्स को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिनको कंसिडर करना चाहिए। तो वीडियो में बने रहिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देखेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी को देखेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अभी आप लोगों को बताने वाला हूं, तो चीजों को सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है, ये चार्ट निफ्टी का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे देखेंगे आपको एक क्लियर मूव दिख रहा होगा, यहाँ पे एक डाउनसाइड मूव लगा, उसके बाद यहाँ से इसका करेक्शन मिला, इस पूरी इंपल्स का ये करेक्शन मिला, फिर से डाउन मूव, फिर से यहाँ से एक अप मूव मिल गया। कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक पैटर्न आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। यहाँ पहले देखिए वीकनेस थोड़ा सा आई थी जब ये लो ब्रेक हुआ था, यहाँ पे एक प्रॉपर स्विंग लो। तो मैं बार बार आपको प्राइस बताता हूँ किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन। यहाँ पे जब ये लो ब्रेक हुआ था तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मिल चुका था कि निफ्टी अब जो है थोड़ा सा एक अच्छे से करेक्शन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो चीजें उसके अपोजिट हुई है। ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करें। एक रिवर्सल पॉइंट अब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लो लगा, फिर से हाई लगा, इस पहली इंपल्स, इस इंपल्स का एक करेक्शन, फिर से यहाँ पे देखेंगे एक नया लो, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, इमीडिएट बी शेप रिकवरी हुई। जितने भी लेट यहाँ पे जो ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं उनको ट्रैप किया गया और मार्केट उसी मोमेंटम में वन साइड अब निकल चुकी है। तो यहाँ पे देखेंगे एक स्विंग है, मैं बस लेवल को मार्क कर रहा हूं, अभी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, बस के ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे एक स्विंग हमें दिख रहा है, सिंपल हम इसी स्विंग को मार्क कर लेंगे, जस्ट वेट। मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है 18,290 से 18,310 का। आप लोग एक बार जाके टेलीग्राम चैनल भी विजिट करिएगा, चीजें आपको वहां पे अभी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ मैंने लेवल को मार्क किया, पर्टिकुलर ये लेवल भी मार्क करना होगा और ये जो फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ है इसको भी मार्क करना होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए एक जोन क्रिएट हो जाएगा। जो जोन है, देखिए लेवल में कैसे किस तरीके से निकाल रहा हूं, इस लेवल को आप भी निकाल सकते हैं, बस बिलीव होना चाहिए। यहाँ पे ये हमारे लिए पूरा भी एक जोन की तरह बन चुका है, ये पर्टिकुलर लेवल लेवल है डाउन साइड में 18,063 से लेके 18,015 का। उसके बाद यहां पे भी एक लेवल है जहां पे हम इसको भी मार्क कर लेते हैं, ये पर्टिकुलर, और 18,450 का जो लेवल होगा अब अपर साइड में एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो अभी के लिए इस लेवल को भी मार्क कर लेते हैं, आज का जो डे हाई है। तो अभी मैं छोटा करूंगा टाइम फ्रेम, तो और को आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। मैं रिवर्सल भी बताता हूं किस तरीके से प्लान होता है। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और इस तरीके की फॉर्मेशन क्रिएट करता, हाई लो हाई लो हाई लोअर लो हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन क्रिएट करता है, उसके बाद जब फॉर्मेशन इस तरीके से हो जाती है, हायर हाई लगना बंद हो जाता है, प्रीवियस कोई लो ब्रेक हो जाता है, तो ये इंडिकेशन मिल जाता है कि ये जो पूरा अप ट्रेंड था अब ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, या इस पूरे इंपल्स ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका था, प्राइस की फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होगी। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक लो था, ब्रेक किया, इमीडिएट फिर रिटेस्ट लिया इसी जगह से फ्लो में, और यहाँ पे भी जो स्विंग था ब्रेक करने के बाद इमीडिएट फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, बी शेप में यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली। आज निफ्टी ने अपने आप को हायर लेवल पे होल्ड करा। निफ्टी ने देखिए एक सेल ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस था, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस से सेल ऑफ आना चाहिए तो देखिए सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है, तो एक रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अपने आप को हायर लेवल पे होल्ड करा। सबसे अच्छा ट्रेड सेटअप तभी बनेगा कल अगर निफ्टी निफ्टी अगर कल ओपन होता है 18,250 से लेके 18,000
300 के बीच में बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन ओपन नहीं होता है, तो इसी रेंज में अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद वेट करता है और 18,033 के लेवल को निकालता है, तो एक अच्छी बाइंग इसमें बनेगी, जो कि पहला टारगेट ही हो जाएगा हमारा 18,390 का, और सेकेंड जो टारगेट होगा वो हमारा हो जाएगा 18,450 का। दो टारगेट के लिए हम इसको कल के ट्रेडिंग सेशन में प्ले कर सकते हैं। चलिए अब टाइम फ्रेम को स्विच करेंगे तो हमें सेल साइड का भी लेवल मिल जाएगा, तो आप चीजों को बस प्लान करिएगा। देखिए यहाँ पे ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल ये है, और डाउन साइड में देखिए लेवल जब मिलेगा सेलिंग का कि कहाँ से हम सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें टाइम फ्रेम को स्विच करना होगा। तो स्विच करेंगे टाइम फ्रेम को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलेंगे, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल को देखते रहिए आप ध्यान से, ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी। यहाँ पे देखिए एक लो लगा था इस जगह पे, मान लीजिए कल निफ्टी ओपन होता है 18,280 से लेके 18,330 के बीच में, ये पर्टिकुलर लेवल आप नोट डाउन कर लिए, इस लेवल के बीच में ओपन होता है और 18,333 को निकालता है आप साइड में, तो आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन सेल आपको तभी करना है, ध्यान से चीजों को सुनिएगा, सेल आपको तभी करना जब ये पर्टिकुलर स्विंग लो जहां से एक शार्प बाइंग देखने को मिली है, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये नहीं ब्रेक होता आपको निफ्टी को सेल नहीं करना, लेवल है 18,250 का, 18,250 के नीचे ही अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो आप निफ्टी को सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद अपसाइड का मोमेंटम फिर इसी जगह से प्रीवियस लो को इसने ब्रेक नहीं किया और फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, तो ये पर्टिकुलर लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18,250 के नीचे आप सेल करेंगे और इस रेंज में ओपन होता है 18,280 से लेके 18,300 के 330 के बीच में, तो आप इस रेंज में बने रहिएगा। 5 मिनट की कैंडल या 15 मिनट की कैंडल एक अपर साइड में क्लोज करती है और उसका हाई ब्रेक होता है तो आप बाय कर सकते हैं। अब फ्लैट की सिचुएशन में मान लीजिए कोई बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो आप वेट करिएगा प्राइस एक्शन का, और प्राइस एक्शन अगर कुछ इस तरीके का मिलता है या इस तरीके का प्राइस एक्शन मिलता है, पहले लो लगता है हाई लगता है कोई लो ब्रेक होता है, तो आप वहां पे सेल कर सकते हैं डाउन साइड में, बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं, जो आज का डे हाई है वहां तक आप वेट कर सकते हैं, क्लोजिंग तक वेट कर सकते हैं बहुत बड़े गैप अप में, कि डाउन साइड तक का एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल जाए। मान लीजिए अब गैप डाउन ओपन हो जाए, प्राइस ओपन ही हो 18,250-260, तो वेट करिएगा, इमीडिएट सेल मत करिएगा, हो सकता है एक अपसाइड का मूव लगे उसके बाद फिर से डाउनसाइड का मूव लगे, समझ लीजिए किस तरीके, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ यहाँ पे और अपसाइड का मूव लगा फिर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं प्रॉपर प्राइस एक्शन के हिसाब से। ये निफ्टी की एनालिसिस थी, अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो चीजें आपको यहाँ पे इसको मैं अब डिलीट कर देता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी को किस तरीके से हमें प्ले करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं उनके लिए मैंने दो अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी दिए थे, दोनों के टारगेट अच्छे खासे देखने को हमें मिले हैं, बहुत परफेक्ट ट्रेडें थी, छोटे से एसएल के साथ अच्छा खासा पॉइंट देखने को मिला था फर्स्ट ट्रेड में, और सेकंड ट्रेड में भी ठीक ठाक प्रॉफिट मिला था, लेकिन ट्रेलिंग एसएल हिट होने के बाद एक बिग मूव दिया था डाउन साइड में। तो चीजों को समझने की कोशिश देखिए, निफ्टी बहुत ज्यादा स्मूथ है, निफ्टी को ट्रेड करना बहुत ज्यादा ईजी है, लेकिन बैंक निफ्टी को ट्रेड करना बहुत ज्यादा टफ है, तो बैंक निफ्टी को आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं और निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में ही बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हमें देखने को मिल रही है, और बैंक निफ्टी में तो लिमिटेड लिक्विडिटी दिख रही है, बहुत मल्टीपल एसएल हिट कर रहा है उसके बाद ये टारगेट दे रहा, बहुत ज्यादा डर्टी मार्केट है बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी चाहे तो आप अवॉइड ही कर सकते हैं। यहां पे देखें ये मूव है, किस तरीके का मूव है, इसको बिल्कुल ये ट्रेडेबल है ही नहीं है, बैंक निफ्टी ट्रेडेबल बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है डाउन साइड में वह 43,450 के नीचे क्लोज करता है तब आप यहां पे सेल कर सकते हैं, और
44,150 के ऊपर ही आप इसमें बाइंग का व्यू रखिएगा। इस पूरी रेंज में 44,450 और 600 पॉइंट की रेंज में आपको बिल्कुल भी कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आप यहां पे लॉसेस करेंगे ही करेंगे। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती, मैं अवर्ली चार्ट पे ले चल के आपको चीजों को दिखाता हूं, बहुत बड़ी रेंज है तो ब्रेक जब तक नहीं होती आपको एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो वेट करिएगा इस प्रॉपर लेवल का, जब तक ये लेवल नहीं आ जाता है। अदरवाइज कैंडले देखिए किस तरीके की कैंडले बन रही है, पहले ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिए, ये किस तरीके की कैंडले यहाँ पे बन रही है। किसी भी मूव पे आपको बिलीव नहीं होगा, एक स्मूथ मूव होता है तब उसको कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके के मूव को कैलकुलेट नहीं करते। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि कुछ दिनों के लिए आप बैंक निफ्टी को अवॉइड करिए, या जब तक इसी रेंज में फंसा हुआ है बिल्कुल भी अवॉइड करिए। लेवल मार्क करके रखिए डाउन साइड के लिए 43,450, और अपर साइड के लिए जो लेवल मार्क करके रखना है आपको 44,200 के ऊपर ही। अदरवाइज इस 750 पॉइंट की रेंज में आपको नो ट्रेडिंग जोन ही समझ लिए, आपके लिए कोई भी ट्रेड इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको प्लान कर सकते हैं, जब ये लेवल ब्रेक होगा एक अच्छा मूव आपको डाउन साइड या अप साइड मिलने वाला है। हाईर लेवल को हाईर लेवल पे अपने आप को बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। तो फ्रेंड वीडियो एनालिसिस अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगी होगी तो बताइएगा क्या मेरे प्रयास करने में क्या गलती हो रही है, तो चीज़ों को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।